हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपि सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 9 सी का पार्ट 2। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कवर करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, उनके सारे पार्ट पढ़ चुके थे, इसलिए तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए दे रखा है, अंतिम पद एल अंतिम पद L, पदों का योग S, योग हमको S दे रखा है। तो सिद्ध करो सार्वांतर। सार्वांतर L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2s माइनस l प्लस a होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पर योग का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लिखेंगे चूंकि s बराबर एन बटे दो ब्रैकेट में ए प्लस एल। देखिए एल का फॉर्मूला हम लोग ए प्लस एल क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको अंतिम पद पता है। तो इस बटे दो को हम लोग इधर भेज देंगे, तो टू एस बराबर एन ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन का मान निकाल लेंगे, गुणे की चीज बटे में पहुंच जाएगी, तो एन बराबर 2s बटे a प्लस एल। ये काहे की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, l का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि l बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये काहे का फॉर्मूला होता है, ये अंतिम पद l का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग an या tn भी बोलते हैं, उसी को ही हम लोग एल भी बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, हमको डी सिद्ध करना है, तो हम यहां पर डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान कितना बनेगा जाकर, पहले तो ए हम उधर भेज देंगे, तो एल माइनस ए बराबर एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसको बट्टे में भेज देंगे, तो एल माइनस ए बटे एन माइनस वन इक्वल टू डी। अब हम क्या करेंगे, एन का मान रख देंगे, एन का मान रखने पर, तो यहां लिखेंगे एन का मान रखने पर, एन का मान रखेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस ए बटे एन का मान कितना है, 2s बटे a प्लस एल माइनस वन। यहां n की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा इसमें घटा देंगे, तो d बराबर l माइनस a बटे 2s माइनस a माइनस l बटे ए प्लस एल। ठीक है, अब सबसे नीचे वाला कहां भेज देंगे, सबसे ऊपर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डी बराबर एल माइनस ए इंटू एल प्लस ए। ये कैसे आ गया, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर भेज दिया। ठीक है, ये सबसे नीचे था ना, इसको हमने ऊपर भेज दिया,
टू एस माइनस ए माइनस एल नीचे बचेगा, क्या बचेगा, टू एस माइनस ए माइनस एल। तो डी बराबर ऊपर देखिए, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, वर्गांतर लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2s, ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस एल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, d का मान निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही हमको प्रूफ भी करना था और ये हमारा आ गया है। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, श्रेणी 17 15 13 डैश 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 के कितने पदों का योग 72 है। तो यहां लिखेंगे माना, आगे लिखते यहां से, माना श्रेणी के n पदों का योग बराबर कितना, 72। इसमें a बराबर कितना है, a बराबर 17, d बराबर कितना, -2, a मालूम d मालूम और n पदों का योग यानी Sn मालूम। ठीक है, अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि Sn बराबर 72 इसलिए Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 72। n की वैल्यू हमको निकालना है तो ये बट्टे में जो 2 है इधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी n ब्रैकेट में 2 इंटू ए, ए का मान कितना है 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है -2, और जो बटे में 2 था वो यहां पर आ जाएगा, तो 72 दूना 144 होता है। थोड़ी अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं, एन ऐसे ही बाहर रहेगा, 17 दूनी 34 प्लस -2 के अंदर गुणा करा देंगे तो ध्यान से देखिएगा, -2 और -1 की गुणा होगी तो प्लस का 2 बन जाएगा और माइनस का 2n बराबर 144। अब आगे देखिएगा, n ब्रैकेट में 34 2 36 माइनस 2n बराबर कितना 144। n के अंदर गुणा कर देंगे माइनस 2n स्क्वायर प्लस का 36n माइनस का 144 बराबर 0। माइनस 2 से भाग कर देंगे, माइनस 2 से भाग, तो माइनस 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस का 72 बराबर 0। समझ गए ना, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, प्लस का 36 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 18 और माइनस का 144 2 से भाग करेंगे तो प्लस का 72 आ जाएगा। 72 का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 18 आ जाए। तो देखिए 72 के गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर हमारे 18 आ जाए, तो 5 छंग 72 होता है और 12 में 6 अगर हम जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो एन स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे एक लाइन कम करके, माइनस का 12n माइनस का 6n प्लस 72 बराबर 0। यहां से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 12 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 12 बराबर 0। n माइनस 12 एक ब्रैकेट में और n माइनस 6 बराबर 0 दूसरे ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12, ठीक है, तो एक n की वैल्यू 12 आ गई, और n माइनस 6 बराबर 0 तो n बराबर 6, तो लिख देंगे
अतः श्रेणी के छह तथा बारह पदों का योग कितना होगा? 72 होगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चल देते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमको पार्ट दे रखे हैं, तो 5 का ए पार्ट ध्यान से देखिएगा। 1 से 2001 के बीच सभी विषम संख्याओं पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना है। देखेंगे 1 से 2001 के बीच सभी विषम पूर्णांक के बीच सभी विषम पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो 1 से 2001 के बीच सभी विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 3 + 5 + 7 + 9 ++ और ये कहानी कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 1999, ठीक है ना। तो देखिए किसी किसी किताबों में इसका आंसर गलत दे रखा है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखिए 1 से 2000 के बीच में कह रहा है, इसलिए हम 1 और 2001 नहीं लेंगे। 1 से 2000 के 2001 के बीच कह रहा है, ठीक है। तो अगर बीच कहेगा प्रश्न में तो हम लोग 1 और 2001 को नहीं लेंगे, इसलिए हो सकता कि किसी किसी किताबों में आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप घबराइएगा नहीं। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, ठीक है। डी का मान कितना है? डी का मान 2 है। और एल का मान कितना है? एल का मान 1999 है। अब माना श्रेणी में एन पद है, माना श्रेणी में एन पद हैं। अगर श्रेणी में एन पद हैं तो अंतिम पद ही एनवा पद होता है, यानी एन बराबर 1999। और एन एन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। और एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1999। ए का मान कितना है? 3 + (n-1)d। डी का मान कितना है? 2 = 1999। तो यहां पर क्या करेंगे? 3 + (2n-2) = 1999। 3 में 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा, यानी 2n + 1 = 1999। 1 उधर घटा देंगे तो 2n = 1999 - 1, n = 1998 / 2। 2 से काट लेंगे, 2 * 18 = 19 n का मान कितना आ जाएगा? 999। यानी श्रेणी में 999 पद हमारे बनेंगे। तो अगर श्रेणी में 999 पद बनेंगे तो हम सभी पदों का योग निकालेंगे, यानी s 999। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
999/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद पता है इसलिए हम लोग a प्लस एल लगाएंगे। a का मान कितना है 3 प्लस एल का मान कितना है 1999। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पर चल देते हैं। 999/2 ब्रैकेट में देखिए 3 प्लस एक्स 1999 है, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2002। 1999 में 3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2002। 2 से इसको काट लेंगे 1001 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1001 की गुणा कर लेनी है किससे, 999 से। तो देखिए इसकी गुणा कैसे करेंगे, 1000 और 100, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, 999 लिखा हुआ है यानी 1000 लिखा हुआ है, तो हमने सीधे इसको 1000 से गुणा कर ली और माइनस करेंगे 1001 की। तो इससे हासिल यहाँ 10, इससे हासिल यहाँ 10, इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 में से 0 गया 9, ठीक है, यहाँ बचा 0। तो इससे हासिल यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से एक गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो योग कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 6 बार 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में आंसर आपका मैच नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर कुछ बीच और से लेकर लफड़ा चल रहा है क्वेश्चन में, किसी किताब में क्वेश्चन चेंज है और किसी किताब में आंसर चेंज है, इसलिए बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं। मैंने जो आपको बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं, बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, तो ये बीच की कहानी है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, ये आप क्वेश्चन अपने आप लगा ले जाएंगे। चल देते हैं सी पार्ट पर। 1 से 100 तक, अब ये यहां पर तक लिखा हुआ है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है, जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो लिखेंगे 2 से कटने वाली संख्याएं, 2 से कटने वाली संख्याएं, ध्यान से देखिएगा, तो कौन कौन सी बनेगी, 2 बनेगी प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 100। अब यहां पर हम लोग 100 ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमको प्रश्न में तक दिया गया, अगर बीच दिया होता तो हम यहां पर 98 लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, अगर बीच लिखा हो तो आप इसको 100 को नहीं लेंगे, अगर तक लिखा हो तभी आप 100 को लेंगे। अब यहां पर 1 भी ले सकते थे लेकिन वो 2 से कट नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने यहां पर 1 नहीं लिया है। तो इनका हमको योग निकालना है, तो a का मान यहां पर कितना है, a का मान 2 है, और यहां पर d का मान कितना है, d का मान भी हमारे पास 2 है, और l का मान कितना है, l का मान हमारे पास 100 है। तो हम लोग l का फॉर्मूला यहां पर लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। यहां से हम लोग n का मान निकाल लेंगे, तो a का मान कितना है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2 बराबर 100। देखिए अभी हम लोगों ने n का मान नहीं निकाला है, इसलिए हम लोग फटाफट लगा रहे हैं n का मान निकालने के लिए। तो 2 उधर भेजेंगे, ये प्लस का 2 उधर जाएगा, 98 हो जाएगा।
ये बटे में जो आएगा 49 हो जाएगा, तो n बराबर 50 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बता दिया है, फिर से समझ लीजिए, शॉर्ट में बताया फिर से समझ लीजिए। पहले हम लोग इस दो को उधर भेजेंगे माइनस में, 100 में से दो चला जाएगा, 98 बचेगा, समझ गए। फिर ये गुणे में दो लिखा हुआ बटे में जाएगा, तो 98 बटे दो करेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर ये माइनस एक उधर भेजेंगे तो ये 50 बन जाएगा। देखिए शॉर्ट में बताया, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको शॉर्ट में करना ही है, समझने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, अगर नहीं है तो उसको बढ़ाइए, किसी भी तरीके से बढ़ाइए। देखिए मैं यहाँ पर अपना टाइम नहीं बचा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं, समझ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए, क्योंकि आगे क्लास में आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एन का मान कितना है 50। अब आप क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे, तो 50 पदों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा S50। 50 पदों का योग निकाल रहे तो 50 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l 50 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 2 और l का मान कितना है 100, 100 और 2 102, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 25 और 10, तो ये योग आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, तो 5 से कटने वाली संख्याएं, 5 से कटने वाली संख्याएं वो कौन सी होंगी, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डैश 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 100 तक। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 5, डी का मान कितना है वो भी 5, एल का मान कितना है वो 100, ठीक है। ए डी एल आपको पता चल गया। अब यहां से हमको एन का मान निकालना है, तो एल का मान 100 है तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एल बराबर 100 इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 5 बराबर 100। एन का मान ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में करेंगे फिर से, पहले तो प्लस का 5 हम लोग उधर भेजेंगे तो 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। फिर 5 से भाग कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 पच्चे 95 होता है, और फिर माइनस का एक उधर भेजेगा तो 20 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। तो एन का मान कितना आ गया 20 आ गया, एन का मान कितना आ गया 20 आ गया। इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखकर दिखाना होता है एग्जाम में, वरना मैं यहाँ पर बता देता आपको कि कैसे पद हम लोग निकालते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, एन का मान हमको 20 पता चल गया है, तो इस 20 पदों का योग निकाल लेते हैं। तो S20 क्या, S20 तो S20 पदों का योग क्या हो जाएगा, 20 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, a का मान कितना है 5, l, l का मान कितना है 100, तो यहां कितना हो जाएगा 20 बटे 2 यानी 10 गुणे 105, तो 10 50, तो ये आ जाएगा हमारा 5 से कटने वाली संख्याओं का योग। अब देखिए यहां पर कुछ गलती हो गई, क्या गलती हो गई, पीछे चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए जब हमने यहां पर 2, 4, 6, 8 लिया था, तो 8 के बाद हमने यहां पर 10 लिया होगा, ध्यान से देखिए यहां पर 10 लिया होगा, ठीक है। अच्छा 10 यहां हम लोगों ने यहां पर भी काउंट कर लिया है, और जब 5 से करा है तो यहां पर भी काउंट कर लिया है, यानी 10 को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। ऐसे ही 20 को भी 2 बार काउंट कर लिया होगा, 30 को, 40 को, 50 को और 100 को भी 2 बार काउंट कर लिया है। इसका मतलब हम लोगों से गलती हो गई। तो 2 और 5 का लासा कितना होता है, तो लिखेंगे 2, 5 का लासा कितना आएगा 10 आएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 10 से कटने वाली संख्याएं, 10 से विभाज्य संख्याएं, तो 10 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, 10 20 30 100। तो ए का मान कितना है, ए का मान 10, डी का मान कितना है वो भी 10, एल का मान कितना है वो भी 100। तो ऐसे कितने पद हो गए,
दस पद होंगे, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है तो लिखेंगे चूंकि L बराबर 100, इसलिए A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 100। A का मान कितना है 10, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है वो भी 10 बराबर 100। अब फिर से डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 10 से भाग किया, सॉरी 10 घटा दिया 90, 10 से भाग किया 9, एक जोड़ दिया 10, तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया, डायरेक्ट कर दिया n का मान 10 आ गया। चलिए S10 निकाल लेंगे, S10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की वैल्यू 10, l की वैल्यू 100, तो 5 × 110, तो 550। S10 का मान कितना आ गया 550, अतः योग, तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, बस 10 वाले को घटा देंगे जो हमसे गलती हुई है। तो सबसे पहला योग कितना आया था 2550, 2550, फिर दूसरा कितना आया था 1050, इनको जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए 0 5 5 10, हासिल लगा 1 6 2 1 3, इसमें से हम क्या कर देंगे -550 घटा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहां लिख देते हैं आंसर हमारा आ जाएगा 600 में से 500 घटा दीजिए, 550 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 50, तो 30050, तो ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी, 3050 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब चल देते हैं डी पार्ट पर, जल्दी से डी पार्ट पर चल देते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहा है, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। तो 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच की बात चल रही है, बीच की, यानी 2 और 100 नहीं लेंगे, जो 3 से विभाज्य हो और विषम भी हो, विषम भी हो और 3 से विभाज्य हो। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी संख्या मिलेगी, पहले तो 3 मिल जाएगी, 3 × 2 = 6, लेकिन सम है इसलिए छोड़ देंगे, तो 3 × 3 = 9, समझ गए ना, 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 12 छोड़ देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 प्लस डैश। अब यहां पर जब हम 100 को 3 से भाग करने आए तो 33 बन जाएगा, यानी 33 × 3 = 99, यानी 99 तो कट जाएगा 3 से, और विषम भी है और 3 से कट भी जाएगा, यानी हम 99 तक की संख्याएं लेंगे। समझ गए होंगे आप कि कहां तक लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 3 से 100 हमारा कट रहा है और एक संख्या बच रहा, एक शेषफल बच रहा, वो शेषफल घटा दिया, 100 में से घटा दिया, 99 आ गया, यानी 99 जो है वो 3 से कट रहा है और विषम भी है, तो इनका हमको योग निकालना है। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान 3 है, डी का मान कितना है 3 6, डी का मान 6 है, एल का मान कितना है, एल का मान 99 है, एल का मान जब 99 आ जाएगा तो हम लोग एन का मान निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 99, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 6 बराबर 99, तो n माइनस वन इंटू 6 बराबर 99 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 96 बचेगा। अब n माइनस वन बराबर 96/6, तो 6 × 6 यहां हुआ 36 × 36, एन का मान कितना हो जाएगा 16 × 1 = 17, तो एन का मान आ जाएगा 17, तो एन का मान 17 आ जाएगा, इन 17 पदों का योग निकालना है, यानी एस 17 निकालना है, तो एस 17 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 17/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए का मान कितना 3, एल का मान कितना 99,
17 बट्टे 2 ब्रैकेट में 99 3 102 होता है। कितना होता है 102, तो 2 से इसको काट लेंगे तो कितना बन जाएगा 51। तो 17 एकम 17 हासिल लगा 1, 17 पचे 85, 85 एक 86। तो इस तरीके से 867 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।